फोटोग्राफिंग इंडिया के एनिमेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सोडा कैन के मॉडल को फाइनल करने वाले हैं। पिछले मॉडल में हमने इसका बेस शेप मॉडल कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाके उसका जो फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने बेसिक शेप को मॉडल किया है उसे देख सकते हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम इसे फाइनलाइज करने वाले हैं। ओके, पिछले वीडियो में हमने कुछ यहाँ तक इसे मॉडल कर लिया था और इसका ये जो टॉप सेक्शन है जहाँ से इसका ओपनिंग लीड होता है उसे हमें यहाँ पर मॉडल करना है। ओके, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें फोल्ड्स क्रिएट करनी है, देन उसका जो ओपनिंग कैप है उसे मॉडल करना है। और यही वजह थी एक्चुअली कि मैंने पिछले वीडियो में इसे मॉडल नहीं किया था। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर हम एक ही साथ सब कुछ मॉडल करने की कोशिश करते हैं, और बेसिकली जब हमारा वो फर्स्ट मॉडल हो। ओके, आज हम इस मॉडल को फाइनल कर लेंगे एंड फिर नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट के पे, नए सब्जेक्ट पे मूव ऑन करेंगे। ओके, तो आज यहाँ पे अगर हम आते हैं, मैं अगर 3 प्रेस पर करता हूँ कीबोर्ड पर तो हमें यहाँ पे ये स्मूथ व्यू का प्रीव्यू दे रहा है स्मूथ मोड में। एंड अब अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ तो हम वापस एक बार हार्ड सर्फेसिस में आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम साइड व्यू में आकर देखते हैं तो साइड व्यू में ये उसका बेसिक शेप है जिसे हमने मॉडल किया था लास्ट वीडियो में। एक्चुअली हमने यहाँ पे ये होल्डिंग एज डाला था बट इस एज को हमने प्रॉपरली मूव नहीं किया था, तो मैंने उसे मूव कर लिया। और इसे मैं और थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे और थोड़ा सा स्मूथ सर्फेस चाहिए, तो इसे हमने फॉलो कर लिया है। एंड अब ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में आकर सबसे पहले तो हमें इस पार्ट पर काम करना है। अगर हमें टॉप सेक्शन पर काम करना है तो हमें यहाँ का डिटेल्ड इमेज लगेगा, राइट? और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही इमेज प्लेन है जो हमारा साइड व्यू से रिलेटेड है, तो मुझे टॉप व्यू का एक इमेज प्लेन लगेगा। उसके लिए मैं टॉप व्यू में आ रहा हूँ। टॉप व्यू में आकर यहाँ से इमेज प्लेन को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। आइदर हम यहाँ से पैनल बार से शॉर्टकट यूज कर सकते हैं या फिर व्यू में जाकर यहाँ से इमेज प्लेन से इम्पोर्ट इमेज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ हम फोल्डर में आ गए। और यहाँ अगर देखते हैं तो यहाँ पे कुछ इमेजेस है। ओके, तो ये एक इमेज है जिसे हम यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे अगर आते तो इस इमेज को भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्रीज इसका क्लियरली पता चल रहा है। ओके, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा इमेज या फिर जो हमें क्लियर लग रहा है उस मॉडल को या उस इमेज को हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा कट है यहाँ से बट इसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं इसे ओके कर लेता हूँ और यहाँ ये इमेज हमारा इंपोर्ट हो गया है। अब पहले तो हमें यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं 4 प्रेस कर रहा हूँ मेरे कीबोर्ड पर ताकि हम वायर फ्रेम्स में आ जाए। और वायर फ्रेम में आकर मैं इस मॉडल को थोड़ा सा सेंटर करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये मॉडल सेंटर नहीं है। एंड मैंने यहाँ पे इसे सेंटर रखने की कोशिश की है एंड इसे मैं थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये इसे इनसाइड प्लेस करना है। बट यहाँ अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये जो हमारा इमेज प्लेन है ये यहाँ पे 0 to 1 स्पेस में आया है। ऑब्वियसली हमें इसे पहले तो नीचे करना है। इसे नीचे करने के बाद यहाँ पे जो कुछ फेसेस है वो फेसेस हमें यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा जो ओपनिंग लीड का सेक्शन है वो और मेरा जो बाकी का कैन का सेक्शन है वो, उसमें का डिफरेंस हमें पता नहीं चल रहा है। ओके, तो ऐसे सिचुएशंस में अगर मैं यहाँ फेसेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ ताकि मुझे ये मल्टीपल ट्राइंगल्स यहाँ पे सिलेक्ट करने में आसानी हो जाए। एंड उसके बाद ये सेक्शन हमारा है एंड मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे एक फेस सिलेक्ट किया है एंड उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट डबल क्लिक करता हूँ नेक्स्ट फेस पे, तो वो कंप्लीट फेस का लूप सिलेक्ट कर लेगा। एंड देन यहाँ पे भी मैं सेम वैसा ही कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो सेक्शन है ये सेक्शन मुझे यहाँ पर चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि ये जो पार्ट है हमारा इसे भी मैं सिलेक्ट कर लूँ सेम। ओके, तो हमने इन फेसेस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ पर इस इमेज प्लेन को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ साथ ही शिफ्ट से। एंड अब मैं यहाँ टॉप व्यू में आकर यहाँ पे आइसोलेट सिलेक्शन का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक कर सकता हूँ। या फिर अगर हम पैनल्स में आते हैं तो यहाँ पे हमें, सॉरी, शो में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आइसोलेट का ऑप्शन होता है और व्यू सिलेक्टेड हम कर सकते हैं। या फिर अगर मैं कीबोर्ड पर Ctrl+1 प्रेस करता हूँ तो भी हमें आइसोलेशन मिलेगा। बट यहाँ हमारा इमेज सिलेक्टेड नहीं है। अब इमेज वापस एक बार सिलेक्ट किया है मैंने। अब अगर मैं Ctrl+1 प्रेस करता हूँ
तो हमारा इमेज एंड जो फेसेस हमारे सिलेक्टेड है उतना ही हमें यहाँ पर विजिबल है। अब सिंपल है, मुझे यहाँ पर इसे प्रॉपरली प्लेस कर लेना है। तो मैं मूव टूल में आ रहा हूँ और इमेज को सेंटर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पहले तो इमेज को स्केल कर रहा हूँ क्योंकि इमेज बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड यहाँ से ये थोड़ा सा कट है, बट स्टिल हम इसे सिंपली रख सकते हैं। ये जो एज है, ये एज हमारा इनर एज है और यही एज तक हमें वो इसका जो इनसाइड सेक्शन है उसे रखना है। ये जो दिख रहा है हमें उसे रखना है। ओके, तो मैं यहाँ पर इसे प्रॉपर प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड यहाँ अगर अब हम देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट हमने इसे सेट कर लिया। अब यहाँ पे हमें कुछ फेसेस है जिन्हें मॉडल करना है, बट यहाँ मैं सबसे पहले तो इस इमेज प्लेन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस इमेज प्लेन को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं लुकिंग थ्रू ओनली टॉप कैमरा कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर्सपेक्टिव में वगैरह मुझे डिस्ट्रैक्ट ना हो। एंड देन यहाँ ही अल्फा गेन है, इसे भी कम कर देते ताकि मॉडल करते वक्त ये बहुत ज़्यादा ब्राइट ना रहे इमेज। तो यहाँ पे अब हमने इसे सेट कर लिया है। अब मुझे सिंपली इस पार्ट को मॉडल करना है। अब मैं अगर फेसेस में आता हूँ, ओके, एंड फेसेस में आकर मुझे इन ट्रायंगल वाले फेसेस को सिलेक्ट करना है सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे टैब की प्रेस की है एंड वापस एक बार ड्रैग करके लेफ्ट माउस बटन से इन सभी फेसेस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं 3 प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पर एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। ओके, तो मैं इसे थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा इसे मूव नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल हल्का मैंने इसे मूव कर लिया है। अगर 1 प्रेस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये हमने इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया है। ओके, एंड एक्चुअली इसे डायरेक्ट इस सेक्शन को मूव करने के बाद मुझे इसे एक बार और एक्सट्रूड करना है। तो एक्सट्रूड करने के लिए मैं शिफ्ट राइट क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे जो सिलेक्टेड फेसेस है वहाँ पर एक्सट्रूड फेसेस मिल जाएगा, या फिर अगर हम एडिट मेश में आते हैं तो यहाँ पर एक्सट्रूड का ऑप्शन अवेलेबल होता है। जैसे ही मैंने इसे एक्सट्रूड किया, अब मैं इसे स्केल कर रहा हूँ, स्केल टूल में आ रहा हूँ एंड यहाँ पे हमने इसे स्केल कर लिया। अब ये फ्लैट है, मुझे एक्चुअली इसे थोड़ा सा मूव करना है अपवर्ड्स। ओके, एंड यहाँ पे एक्चुअली मुझे क्रीज क्रिएट करनी है। ओके, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे ये 2 क्रीज है। ओके, तो ये जो 2 क्रीज मुझे यहाँ दिख रही है, ये 2 क्रीज मुझे यहाँ पर क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इसे पहले एक्सट्रूड करके थोड़ा सा मूव कर लिया है अब, एंड वापस एक बार इन फेसेस को मैंने शिफ्ट राइट क्लिक करके एक्सट्रूड किया है। मैं यहाँ पर स्केल टूल में आ रहा हूँ, इसे स्केल कर लेता हूँ एंड मुझे इस पार्ट को अपवर्ड मूव करना है। ओके, ताकि यहाँ पे ये कुछ इस तरह से एक्सट्रूड हो जाए। एंड अगेन मैं इसे एक बार एक्सट्रूड कर रहा हूँ, इसे स्केल कर रहा हूँ थोड़ा सा एंड मुझे इस पार्ट को नीचे की तरफ पुश करना है। ओके, तो यहाँ पे ये जो क्रीज अब हमें दिखाई दे रहा है, ओके, ये क्रीज एक्चुअली हमें यहाँ पर क्रिएट करना था। अब हमें वापस इसे एक्सट्रूड करना है, स्केल करना है। स्केल करने के बाद ऑब्वियसली मुझे इसे अपवर्ड्स मूव करना है, अगेन स्केल करना है, सॉरी एक्सट्रूड करना है। शिफ्ट राइट क्लिक करके मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ एंड इस फेस को हम नीचे की ओर पुश करेंगे तो यहाँ पर हमें ये 2 क्रीज मिल गए हैं। ओके, अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये क्रीज दिखाई दे रहा है, बट यहाँ अगर हम ध्यान से देखते हैं तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ पे होल्डिंग एजेस नहीं है। अगर हम होल्डिंग एजेस ऐड कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर एक्सट्रूड करना या फिर वो जो क्रीज है उसे विजिबल करना आसान हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइट इसे रखने की कोशिश की है इस एक्सट्रूड को। अगर हम 1 प्रेस करते हैं तो इसे ऊपर की तरफ मूव करना है अब ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद यहाँ पे ये जो क्रीज है, इन क्रीज को अगर हमें होल्ड करना है तो उसके लिए हमें ऑब्वियसली इंसर्ट एज लुक टूल यूज करना होगा, राइट। तो अगर मैं एडिट मेश में मेश टूल्स में आ जाता हूँ तो यहाँ पे इंसर्ट एज लुक टूल का हमारा ऑप्शन है। यहाँ से मैं इंसर्ट एज लुक टूल सिलेक्ट कर और मैं इन एजेस को प्रॉपरली एक एक होल्डिंग एज ऐड कर देता हूँ ताकि ये एजेस हमारी यहाँ पर होल्ड हो जाए। ओके, मैं यहाँ पे टॉप वाले सेक्शन में एज नहीं दे रहा हूँ,
क्योंकि मुझे उस पार्ट को स्मूथ ही रखना है, राइट। तो मैंने यहाँ पे इन्हें एजेस दे दिए और यहाँ पे भी मैं एक होल्डिंग एज दे रहा हूँ ताकि वो उसे प्रॉपरली होल्ड कर ले। अब अगर हम थ्री प्रेस करते हैं तो हमें पता चलेगा कि यहाँ का जो सेक्शन है वहाँ पे हमने क्रीज क्रिएट कर लिया। अगर मैं टॉप व्यू में आकर देखता हूँ तो टॉप व्यू में हमें पता चल रहा है कि हमने यहाँ पर इसे मॉडल कर लिया, बट यहाँ मुझे देखने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। मैं फाइव प्रेस कर रहा हूँ मेरे कीबोर्ड पर ताकि मुझे शेडेड व्यू मिले, एंड शेडेड व्यू आने के बाद मैं यहाँ से एक्सरे मोड को टर्न ऑन कर लेता हूँ। तो एक्सरे करने के बाद हमें यहाँ से ट्रांसपेरेंसी दिखेगी, और साथ ही साथ मैं अल्ट फाइव प्रेस कर रहा हूँ ताकि हमें यहाँ पर वायर फ्रेम ऑन शेडेड दिखे। ओके, ताकि हमें पता चलेगा कि प्रॉपर हमने यहाँ पे इसे होल्ड पुल किया है या नहीं। ओके, तो अब वापस एक बार फेसेस में आते हैं और टैब प्रेस करके मैं इन फेसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब कीबोर्ड पर वन प्रेस करते हैं। वन प्रेस करने के बाद मुझे एक्चुअली इसे वापस एक बार एक्सट्रूड करना है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक एक्सट्रूड का लाइन है। ओके, तो यहाँ पे मैं शिफ्ट राइट क्लिक कर रहा हूँ, एक्सट्रूड फेसेस कर रहा हूँ, उन फेसेस को थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। ओके, यहाँ तक मुझे उसे रखना है। एक्चुअली मुझे ये जो शेप है ये शेप क्रिएट करना है। ओके, और इस शेप को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक एज लुक क्रिएट कर लिया है, फेस क्रिएट कर लिया। वापस एक बार मैं इसे एक्सट्रूड कर रहा हूँ शिफ्ट राइट क्लिक करके, और इसे यहाँ पर कुछ इतना स्केल करके रख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हमारे पास ये दो अवेलेबल है। ओके, अब अगर हम ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं तो ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद एक्चुअली मुझे यहाँ पर वो जो सेक्शन है जो हमारा ओपनिंग लीड का सेक्शन है उसे हमें यहाँ पर मॉडल करना है। ओके, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ये जो एज रिंग है इस एज रिंग को प्रॉपरली प्लेस करना होगा। बट मैं फेसेस में आ रहा हूँ, पहले तो शिफ्ट डबल क्लिक करके मैंने कंप्लीट पहले एक फेस सिलेक्ट किया, देन शिफ्ट डबल क्लिक करके मैंने कंप्लीट फेस लूप सिलेक्ट किया, देन मैं अल्ट प्रेस कर रहा हूँ एंड ये कंप्लीट फेस लूप ट्राइंगल का जो है उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। थ्री प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे, और इन्हें एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करना है। ओके, तो ये ऊपर आ जाएगा, और अब मैं वन प्रेस कर रहा हूँ। वन प्रेस करने के बाद मुझे इसे एक बार वापस एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करने के बाद मुझे इसे थोड़ा सा नीचे की ओर मूव करना है। ओके, थ्री प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इसे हमने थोड़ा सा नीचे की ओर मूव किया है। अब अगर हम यहाँ आ जाते हैं वन प्रेस करके, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो शेप है ये मॉडल करने के लिए स्पेस रेडी कर लिया है हमने। ओके, थोड़ा सा इसे इनसाइड पुल करते हैं, और यहाँ एक्चुअली हमें एक एज लूप लगेगा क्योंकि अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखते हैं तो ये जो शेप है ये शेप हमने अभी से इसका मॉडल कर लिया, ये इनसाइड पुश है अगर आप ध्यान से देखते हैं तो। ओके, तो हमने यहाँ पे इसे क्रिएट कर लिया। अगर थ्री प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह से ये दिख रहा है, तो ऑब्वियसली हमें इसे होल्ड करना होगा। अगर हमें इसे होल्ड करना है तो हमें इंसर्ट एज लूप टूल कर यूज़ करना है, तो हम मेश टूल्स में आकर यहाँ से इंसर्ट एज लूप टूल यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर मैं शिफ्ट राइट क्लिक करता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में आकर तो यहाँ पे हमें इंसर्ट एज लूप टूल मिलता है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक एज लूप दे रहा हूँ ताकि इस साइड से इसे होल्ड कर लूँ, देन यहाँ पर मुझे इसे होल्ड करना है एंड यहाँ पर मुझे इसे होल्ड करना है। ऑब्जेक्ट मोड W एंड 3। तो अब अगर देखते हैं तो ये जो सेक्शन है यहाँ पे हमने इसे प्लेस कर लिया। अब मुझे सिंपली यहाँ पे इसे मॉडल करना है। ओके, तो मैं फेस में आ रहा हूँ एंड फेसेस में आके डबल क्लिक करते हैं, एक सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर शिफ्ट डबल क्लिक, तो कंप्लीट फेस लुक सिलेक्ट हो जाएगा, एंड देन अल्ट प्रेस करके हम यहाँ पर इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसे एक बार एक्सट्रूड करते हैं एंड इसे हम स्केल कर लेंगे इनसाइड। ओके, तो यहाँ पे मैं इसे कुछ यहाँ पर रख रहा हूँ। अब ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं और हमें ये जो सेक्शन है ये सेक्शन मॉडल करना है। अब अगर हम इस सेक्शन को देखते हैं तो ये एक्चुअली सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल मॉडल को सब्जेक्ट को मॉडल करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है माया में। अगर मैं यहाँ पे सिमेट्री को ऑन कर दूंगा तो मुझे सिर्फ इसके वन साइड काम करना होगा, नेक्स्ट पार्ट पे ये ऑटोमेटिकली इसे मूव कर लेगा। अगर मैं W प्रेस करता हूँ तो ये हमारा मूव टूल है, और अगर मैं कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करके स्टैंडर्ड व्यू में अगर आ जाता हूँ तो यहाँ पे
हमारा टूल बार हमें दिखाई दे रहा है। अगर मैं मूव टूल पर डबल क्लिक करता हूँ तो हमारी यहाँ पे टूल सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी मूव टूल से रिलेटेड। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सिमेट्री की सेटिंग्स है। अगर मैं सिमेट्री सेटिंग्स में आकर यहाँ से सिमेट्री में आके मुझे किस एक्सिस में से सिमेट्री को ऑन करना है वो डिसाइड कर लिया तो हम इसे सिंपली प्रॉपरली सिमेट्री ऑन कर सकते हैं, राइट। तो हमें एक्सिस पता होना चाहिए। अगर हम देखते तो हमें इस एक्सिस में पुल करना है, ओके, और ये एक्सिस है जेड। तो अगर मैं यहाँ पर सिमेट्री में आता हूँ एंड वर्ल्ड जेड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, अब अगर मैं इसे क्लोज करता हूँ एंड वर्टाइसिस में आ जाता हूँ तो आपको पता चलेगा अगर मैं इस वर्टेक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ जेड एक्सिस में यहाँ पर ये भी वर्टेक्स सिलेक्ट हो रहा है, ओके। अगर मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये भी सिलेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स अब अगर मैं एक वर्टेक्स को मैंने कंट्रोल स्पेस बार प्रेस किया है फुल स्क्रीन के लिए, अगर मैं एक वर्टेक्स को यहाँ पर पुल करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसका सेकेंड वर्टेक्स भी यहाँ पर सिमेट्री के साथ पुल हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जो लाइन्स है इन्हें मैं प्रॉपरली इसका जो मैश फ्लो है उसे प्रॉपर रख सकूँ। मैं मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये स्ट्रेट ही रहे, ज़्यादा इसका एंगल चेंज ना हो, ओके। तो यहाँ पे इसे मैंने पुल कर लिया है, अगेन इसे थोड़ा सा पीछे करना है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ओके, तो ये जो फेसेस है, ओके, ये फेसेस मुझे थोड़े से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये देखो हमें इन्हें एक्चुअली पीछे की तरफ मूव करना होगा, ओके। इसे भी मैं थोड़ा, ये ज़्यादा तकलीफ नहीं दे रहा है, बट यहाँ पे हमें इसे थोड़ा सा बैक साइड मूव करना है ताकि ये ज़्यादा हमें तकलीफ ना दे, ओके। देन मुझे इस वर्टेक्स को पुल करना है, यहाँ पर मैं ज़्यादा पीछे नहीं कर सकता हूँ इसे क्योंकि यहाँ पे ये शेप डिस्टर्ब हो जाएगा। हमने इसे पहले ही देखना चाहिए था, बट इट्स फाइन, ज़्यादा कोई ऐसा इशू नहीं आएगा वहाँ पर। तो मैंने, अब अगर हम देखते हैं तो हमने इसे ऑलमोस्ट सेट कर लिया है, ओके। तो यहाँ पर इसे भी मैं रख लेता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे पर्सपेक्टिव में आते तो यहाँ पे हमारा ये जो शेप है ये रेडी है। अगर हम फेसेस में आते तो माया को लास्ट सिलेक्शन हमारा याद है, तो उस वजह से अगर हम देखते तो हमारा जो सिलेक्शन था फेसेस का वो माया ने हमें वापस दे दिया है, ओके। तो अब मुझे सिर्फ सिंपली से एक्सट्रूड करना है शिफ्ट राइट क्लिक करके, एंड एक्सट्रूड करने के बाद मैं आर प्रेस करता हूँ, एंड आर प्रेस करके मुझे एक्चुअली इसे थोड़ा सा स्केल करना है। पहले तो मैं इसे ज़्यादा स्केल नहीं कर रहा हूँ, ओके, थोड़ा बिल्कुल, एंड इसे मुझे नीचे की तरफ पुश करना है, ओके। वापस एक बार मैं स्केल कर रहा हूँ, एंड ये जो सेक्शन है इस सेक्शन में मुझे बहुत ही कम स्केल करना है उसे, ओके। यहाँ पे टाइट रहेगा और यहाँ पे थोड़ा सा लूज रहेगा। तो ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, एंड अब अगर हम यहाँ पे 3 प्रेस करते हैं तो हमारा ये जो शेप है, ये जो बेसिक शेप है, यहाँ पे हमने मॉडल कर लिया है। बट यहाँ पे इसे होल्ड देना है, तो उसे होल्ड देने के लिए ऑब्वियसली मैं इंसर्ट एज लुक टूल में आ रहा हूँ। इंसर्ट एज लुक टूल में आके एक एज मुझे यहाँ पर देना है, एक यहाँ पर, एंड एक इसको यहाँ क्लोज करने के लिए। तो हमने अब अगर हम 3 प्रेस करते हैं तो जो हमारा स्मूथ अप्रोक्सीमेशन है उसमें हमें ये शेप प्रॉपर मिलेगा। देखा, सिंपल है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं जाना है। जितना ज़्यादा हम इसे बेसिक रख सकते हैं हमें उतना बेसिक रख के इसे मॉडल करना है। तो इतना अगर हम बहुत ज़्यादा सोचेंगे उस शेप के बारे में तो वो मॉडल करना टफ हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि शेप बहुत ही बेसिक होता है, अगर हम बेसिक शेप को डिवाइड कर ले, जैसे ये सिलेंड्रिकल शेप में हमने इसे डिवाइड कर लिया और उसके बाद हमने इसे मॉडल करना स्टार्ट किया तो ये ईजी हो जाता है मॉडल करने के लिए। सेम अब अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर, अगर हम टॉप व्यू में आते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें ये शेप मॉडल करना है। ये दिख रहा है, ये जो जब हम उसका जो कैप है उसे जब हम फोल्ड करते हैं तो ये यहाँ से ब्रेक होता है। तो हमें वापस एक बार फेसेस चाहिए। मैं फर्स्ट फेस पे क्लिक कर रहा हूँ, सेकंड फेस पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो ये कम्प्लीट
जो लूप है उसे सिलेक्ट कर लेगा, देन टैब प्रेस करके हम इन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके तो ये सिलेक्ट हो चुके हैं एंड अब मुझे इसे एक्सट्रूड करना है इनसाइड। ओके तो यहां तक कुछ हमें इसे एक्सट्रूड करना है और यहां मैं वर्टाइसेस में आ रहा हूँ। वर्टाइसेस में ऑब्वियसली हमारा सिमेट्री ऑन है तो हमारे लिए आसान हो जाएगा काम करना यहां पर। और मैं सिंपली कीबोर्ड पर एरो कीज प्रेस कर रहा हूँ नेक्स्ट वर्टेक्स पे मूव करने के लिए। ओके तो यहाँ पे हमने ये बेसिक शेप मॉडल कर लिया है। मैं वापस एक बार फेसेस में आ रहा हूँ। फेसेस में आकर हम इसे एक्सट्रूड करेंगे यहाँ पे एंड वापस एक बार वर्टाइसेस में आ जाएंगे। वर्टाइसेस में आकर मुझे इसे प्रॉपरली प्लेस करना है। ओके तो यहाँ पे ये जो फेसेस है यहां से लेकर यहां तक इन फेसेस का हमें काम है राइट। तो मैं यहाँ पे फेस सिलेक्ट कर रहा हूं एंड इन फेसेस को हम शिफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मुझे इन फेसेस को एक्चुअली एक्सट्रूड करना है। ओके एक्सट्रूड फेस और मुझे इन्हें एक्सट्रूड करके इनसाइड पुश करना है। अगर आप ध्यान से शेप को देखते हो तो आपको पता चलेगा कि ये इनसाइड पुश हुआ है और इसे थोड़ा सा ऑफसेट किया गया है। तो मैं थोड़ा सा इस शेप को इसको पहले एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड करने के बाद इसे पहले थोड़ा सा ऑफसेट कर लेते हैं। ओके एंड ऑफसेट करने के बाद हमें इसे मूव करना है नीचे ये थोड़ा सा ज्यादा। ओके तो ये शेप हमने यहाँ पर मूव कर लिया है नीचे। अब अगर हम ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं थ्री प्रेस करते हैं तो पता चलेगा कि ये जो शेप है ये मॉडल हो चुका है बट इसे ऑब्वियसली हमें होल्ड करना होगा। अब इसे होल्ड करने के लिए अगर मैं इंसर्ट ए लूप टूल देता हूँ तो ये कंप्लीट शेप को बिगाड़ देगा। ओके मुझे यहाँ पे कंप्लीट एजेस नहीं डालनी है, मुझे सिर्फ ये जो शेप हमने मॉडल किया है इस शेप पर हमें एजेस ऐड करनी है। अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट एज लूप टूल लेता हूँ तो ये कंप्लीट यहाँ पे बाहर तक एज दे देगा और कई बार डिस्टर्ब कर देता है शेप को तो उसके वजह से यहाँ पे थोड़े से आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं। तो मैं नहीं चाहूंगा ऐसा कुछ हो। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर मैं एज सिलेक्ट करता हूँ, मुझे ये एज सिलेक्ट करनी है, ये एज सिलेक्ट करनी है, इस एज को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इस एज को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, साथ ही हमें इन दोनों को भी सिलेक्ट करना है। ओके तो ये जो एजेस है इन एजेस को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड अगर हम यहाँ एडिट मेश में आ जाते हैं एंड बेवल करते हैं तो यहाँ पे हमें उससे कुछ बेवल्ड एजेस मिल जाएगा। मैं यहाँ पे फ्रैक्शन को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे एक सेगमेंट इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। तो अब अगर हम देखते हैं तो ये जो शेप है ये शेप हमारा यहाँ पे मॉडल हो चुका है लेकिन इसका बेवल का जो फ्रैक्शन है उसे मुझे थोड़ा सा बढ़ाना होगा। तो मैं चैनल बॉक्स में आ रहा हूँ। चैनल बॉक्स में आके यहाँ पर इनपुट्स में हमें बेवल दिख रहा है तो यहाँ आके मैं फ्रैक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। मैंने कंट्रोल प्रेस करके मिडल माउस से मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ एंड यहाँ से मैं एक सेगमेंट भी रिमूव कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे दो एजेस है जो इसे होल्ड करेगी। ठीक है एंड यहाँ पे ये हमारा जो बेसिक शेप है ये मॉडल हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे एक और शेप है जिसे मॉडल करना है वो है ये शेप। ओके ये ब्रेक होगा एंड फिर हमारा कैन यहाँ से ओपन होगा राइट। तो ये ब्रेकिंग का जो पार्ट है इसे भी हमें मॉडल करना है। तो उसके लिए ऑब्वियसली मुझे वापस एक बार वन प्रेस करना है एंड ये जो फेसेस है इन फेसेस को मुझे सिलेक्ट करना है एंड टैब की प्रेस करके
हम इन फेसेस को भी सिलेक्ट कर लेंगे और इसे एक्सट्रूड करेंगे इनसाइड। यहाँ पे मैंने इसे एक्सट्रूड कर लिया एंड वर्टाइसेस में आते हैं। वर्टाइसेस में आकर इन वर्टाइसेस को हम प्रॉपर फ्लो में मैच कर लेते हैं। ओके एंड अगेन फेसेस में आते हैं, इन फेसेस को एक बार एक्सट्रूड कर लेते हैं एंड आर प्रेस करते हैं। वर्टाइसेस में आते हैं और मुझे इस फेस को प्रॉपरली यहाँ पे प्लेस करना है, मुझे एक्चुअली इस शेप को मॉडल करना है, राइट। तो इसे मॉडल करने के लिए हमें ओके एंड इधर बाकी के जो वर्टाइसेस है इन्हें भी थोड़ा थोड़ा मूव कर लेते हैं। ओके ऑब्जेक्ट मोड एंड अब अगर मैं फेसेस में आता हूं और इन फेसेस को सिलेक्ट करता हूं, इसे मुझे एक्सट्रूड करना है अंदर। एंड थोड़ा सा एक्सट्रूड करना है कुछ ऐसा। ओके बहुत ज्यादा डीप हो गया है तो इसे मैं थोड़ा सा अप कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद मैं अगर थ्री प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये जो लीड है ये हमारा मॉडल हमने कर लिया। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो वर्टेक्स है ये वर्टेक्स एक्चुअली यहाँ पे फ्लैट है। ओके यहाँ पे कोई सी भी तरह का ये प्लेन सरफेस है और यहाँ पे हमें डेप्थ दिख रही है, राइट। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें इसे ऊपर मूव करना है। तो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्लिक किया है एंड मैं वी प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पर स्नैप टू द पॉइंट के लिए। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करता हूँ और वी प्रेस करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्नैप टू द पॉइंट का ऑप्शन है ये यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। ओके टेम्पररी हम इसे एक्टिव कर रहे हैं, मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, वी प्रेस कर रहा हूँ और मुझे इस हाइट पे इसे स्नैप कर रहा हूँ। ओके और इसे भी इस हाइट पे स्नैप कर रहा हूँ। ये दोनों मैंने ऊपर कर लिए, उस वजह से अब हमारा जो सरफेस है वो वहां से फ्लैट हो गया और यहाँ पे हमें डेप्थ मिलेगी। तो अब अगर मैं एज में आता हूँ, इस एज लूप को सिलेक्ट करता हूँ एंड इस एज लूप को सिलेक्ट करता हूँ, साथ ही मैं इन एजेस को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके तो अब अगर हम यहाँ पे आके एडिट मेश में बेवल कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें इसका जो फ्रैक्शन है उसे थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं एंड अगर मैं थ्री प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये जो इसका ओपनिंग लीड है वो भी हमें मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमने इसे फ्लैट रखा है और यहाँ से हमने इसे क्लीज दिया। ओके टॉप व्यू में आते हैं वापस, हमने बेसिक शेप तो मॉडल कर लिया है, राइट। अब हमें मॉडल करना है इसका ये जो कैप है वो, इसे मॉडल करना सिंपल है। अगर हम यहाँ पर एक क्यूब क्रिएट कर लेते हैं, ओके एंड इस क्यूब को मैं ऊपर की ओर मूव करता हूँ एंड यहाँ पे मैं आइसोलेट सिलेक्शन कर रहा हूँ पर्सपेक्टिव में। एंड आइसोलेट सिलेक्शन करने के बाद मैंने कंट्रोल स्पेस बार प्रेस किया है। उससे पहले मैं यहाँ पर इसका जो शेप है जितना होना चाहिए उसको यहाँ पे बेसिक हम तो यहाँ पे मैं इसे फ्लैट कर रहा हूँ। इसे फ्लैट करने के बाद यहाँ पे मुझे एक एज लुक चाहिए बीच में। अगर मैं इस एज को सिलेक्ट करता हूँ और इस एज को सिलेक्ट करके यहाँ से सबसे पहले तो मुझे यहाँ से सिमेट्री को इस वक्त ऑफ कर देना है। तो मैं टूल सेटिंग्स में आ रहा हूँ, सिमेट्री में आ रहा हूँ और इसे रिसेट कर देते तो ये ऑफ हो जाएगी। एंड अब मुझे इस एज को एक्चुअली कट करना है। ओके तो आइदर हम इंसर्ट एज लुक टूल ले सकते हैं। इंसर्ट एज लुक टूल लेने के बाद यहाँ पे मैंने एज लूप ऐड कर दिया एंड यहाँ पे हम
इसके ऑप्शन में अगर आते हैं पॉली स्प्लिट 40, हमने 40 नंबर का एज एक्चुअली इंसर्ट एज लूप टूल यहाँ पे यूज किया है, इसे अगर मैं ये जो वेटेज है इसे अगर हम 0.5 कर देते हैं तो एग्जैक्टली ये सेंटर में हो जाएगा और यहाँ मुझे इन फेसेस को एक्सक्लूड करना है। ओके, मैं इस फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसे भी, इन चार फेसेस को मुझे एक्सक्लूड करना है। अब अगर मैं एक्सक्लूड करता हूँ शिफ्ट राइट क्लिक करके, तो यहाँ पे अगर हम इसे नॉर्मली एक्सक्लूड करते हैं और अगर मैं इसे ऑफसेट करता हूँ इनसाइड, ओके, तो ये कुछ इस तरह से होगा। मुझे एक्चुअली ये फेसेस सेपरेट करने हैं, तो हमें अगर इसे सेपरेटली एक्सक्लूड करना है तो यहाँ पे ये जो कीप फेसेस टुगेदर का ऑप्शन है उसे ऑफ करना होगा। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ और अब अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके इसे एक्सक्लूड करता हूँ तो ये सारे फेसेस हमारे सेपरेटली एक्सक्लूड हुए। अब मैं बैकस्पेस प्रेस कर रहा हूँ और इन फेसेस को डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो होल से यहाँ पे हमें इन्हें फिल करना होगा, तो अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ एंड यहाँ से मैश टूल्स में आके अगर हम अपेंड टू पॉलीगॉन टूल लेते हैं, तो यहाँ पर हम अगर मैं सिंपली इस एक एज पर क्लिक करता हूँ एंड द नेक्स्ट एज पर क्लिक करता हूँ, तो हमें यहाँ पर ये जो हमारा होल है ये फिल हो जाएगा। ओके, सेम मैं यहाँ पर भी आ रहा हूँ, मैश टूल्स, अपेंड टू पॉलीगॉन टूल, इस पर क्लिक करेंगे, देन इस पर क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा। ओके, अगेन मैश टूल्स, अपेंड टू पॉलीगॉन, एंटर, देन अगेन मैश टूल्स, या फिर अगर हम जी प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे तो ये हमारा जो लास्ट टूल है उसे रिपीट कर देगा। मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब यहाँ पे हमने इन होल्स को फिल कर दिया है, अब मुझे इस होल को भी फिल करना है, तो मैं सिंपली यहाँ आ रहा हूँ, इस एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैश में आकर यहाँ से फिल और कर देता हूँ। तो यहाँ का सेक्शन हमने फिल करने के बाद इसे हमारे लिए ये सिंपल हो जाएगा। तो मैं जी प्रेस कर रहा हूँ फिल ऑल करने के लिए, या फिर मैश में आके हम फिल ऑल कर सकते हैं। तो जी, तो अब हमारा ये जो शेप है इसका बेसिक हमने कर लिया। मैं अगर थ्री प्रेस करता हूँ तो ये ऑलरेडी अच्छा दिख रहा है। ओके, तो अब सिंपल है, मुझे यहाँ पे इस एज को, इन एजेस को एक्चुअली मुझे कट करना है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वेट एज चाहिए। तो उसके लिए अगर मैंने ये एजेस सिलेक्ट कर ली एंड यहाँ अगर मैं एडिट मैश में आता हूँ और इन्हें अगर मैं कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे बीच एक्चुअली इसे सिलेक्ट करके मुझे ये कंप्लीट इसकी ये एजेस सिलेक्ट करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसे सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट करने के बाद मैंने डबल क्लिक किया इस एज पर, तो जितने भी यहाँ पर ये वर्टिकल सिंगल एजेस है वो सारी सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, देन उसके बाद हम यहाँ पर एडिट मैश में आकर इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब अगर देखते हैं तो ये हमें प्रॉपर दिख रहा है। देन मुझे यहाँ पर एक एज लुक देना है, तो हम वापस एक बार कनेक्ट कर सकते हैं इन्हें सिलेक्ट करके, या फिर अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ एज को, कंट्रोल राइट क्लिक करता हूँ, कंट्रोल राइट क्लिक अगर हम करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जो होता है एज रिंग यूटिलिटीज। अगर हम एज रिंग यूटिलिटीज में आते हैं एंड देन टू एज रिंग एंड स्प्लिट कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर ये एक एज स्प्लिट मिल जाएगा। ओके, हमें सारे एजेस सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिंपली उतनी एक ही एज करनी है, तो वो हमें यहाँ पर एज रिंग्स दे देगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने मुझे एक्चुअली इसे प्रॉपरली राउंड करना है, तो उसके लिए मैंने इसे, एंड अब मुझे यहाँ पे भी एक एज रिंग चाहिए, शिफ्ट कंट्रोल राइट क्लिक करके हम एज रिंग यूटिलिटीज में आ रहे हैं एंड एज रिंग यूटिलिटीज में आकर कंट्रोल राइट क्लिक, एज रिंग यूटिलिटीज, एज रिंग टू एज रिंग एंड स्प्लिट। ओके, तो अब इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर मैं स्केल कर लेता हूँ तो ये प्रॉपरली राउंड हो जाएगा। ओके, अब मुझे यहाँ पर भी एक एज रिंग चाहिए, तो मैंने यहाँ पर भी एक एज रिंग दे दिया है और ये जो सेक्शन है इस सेक्शन को मैंने डीसिलेक्ट कर दिया है कंट्रोल से एंड मुझे इसे पीछे की ओर मूव करना है। ओके, तो ये जो पार्ट है हमारा ये हमने प्रॉपरली राउंड कर लिया है, बट यहाँ पर मुझे एक होल चाहिए, तो ऑब्वियसली इसे स्प्लिट कर देंगे तो ये प्रॉपरली स्प्लिट हो जाएगा। मुझे यहाँ पर भी एक होल चाहिए तो इसे भी मैं स्प्लिट कर दूंगा, तो ये भी यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा। देन यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा राउंड करना है इसे, राइट, तो इन्हें सिलेक्ट करेंगे एंड आर प्रेस करके इसे इसे थोड़ा सा राउंड कर लेंगे। ओके, यहाँ पे भी एक एज रिंग डालेंगे एंड इसे भी राउंड कर लेंगे। तो ये जो बेसिक शेप है ये हमने यहाँ पर मॉडल कर लिया है। ओके, ये बहुत सिंपल था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बट मुझे यहाँ पे इन फेसेस को सिलेक्ट करना है, इन फेसेस को सिलेक्ट करके मुझे इन्हें एक्सट्रूड करना है
आउटसाइड। ओके, तो ये हमने यहां पर पुल कर लिया ताकि इसमें हम एक सिलेंड्रिकल शेप फिक्स कर सके। ओके, इस एज को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, इसे मैं स्केल कर रहा हूं एंड इसे इन वर्टाइसेस को यहां पे कोई वर्टेक्स सिलेक्ट था, मैं यहां पे पुल करके कुछ ऐसा कर लेता हूं। अब सिंपल है, अब मुझे इसे स्केल करना है और थोड़ा फ्लैट करना है। ओके, हमारा शेप यहां पर मॉडल हो गया। मैं आइसोलेशन को ऑफ कर देता हूं तो आपको पता चलेगा कि ये जो शेप है ये काफी ऊपर है, हमें इसे नीचे प्लेस करना है। ओके, थोड़ा सा और फ्लैट करना है। हाँ, तो अब अगर देखते हैं तो हमारा जो शेप है हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब अगर यहाँ आके देखते हैं तो ये सिंपली हमने इसे प्लेस कर दिया है और हमारा ओपनिंग लीड यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। अब सिंपल है, एक सिलेंडर क्रिएट करना है। सिलेंडर क्रिएट करके हमें ऊपर की तरफ उसे मूव करना है, उसे हमें स्केल करना है। ओके, ताकि वो जो शेप है वो वहाँ पे प्रॉपरली फिक्स हो जाए एंड मुझे यहाँ पे उसे और थोड़ा स्केल करना है। ओके, ये हमने स्केल कर लिया है। अब मुझे इसके टॉप एंड बॉटम सेक्शन को बेवल कर लेना है ताकि जब मैं इसे 3 प्रेस करूँ तो ये अपना शेप होल्ड करके रखे। ओके, तो फ्रैक्शन को हमें कम करना होगा एंड यहाँ पे एक सेगमेंट को मुझे इंक्रीज करना है। ओके, ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं एंड 3 प्रेस करते हैं। अब मुझे इसे नीचे की ओर पुश करना है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर प्लेस हो गया। तो कुछ इस तरह से हमने इसका टॉप सेक्शन भी मॉडल कर लिया। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं अल्ट 5 अगर मैं प्रेस करता हूँ तो वायर फ्रेम ऑन शेडेड यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा एंड अब अगर हम देखते हैं तो ये हमारा एक्चुअली सोडा कैन का मॉडल रेडी है। ओके, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार दबाता हूँ और यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे ये काफ़ी सारी हिस्ट्री है। ये मॉडल तो हमारा रेडी हो चुका है लेकिन हमें अब यहाँ से आगे टेक्सचरिंग डिपार्टमेंट में भी भेजना, तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे इसकी हिस्ट्री डिलीट करनी होगी। तो मैं यहाँ एडिट में आ रहा हूँ, डिलीट ऑल बाय टाइप में आ रहा हूँ और हिस्ट्री डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो अब ये रेडी हो चुका है, इसे सिंपली हमें सेव करना होगा एंड देन हमारा मॉडल अब रेडी हो चुका है पूरी तरह से। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप फॉलो करेंगे हमारे इन मॉडलिंग टेक्निक्स को। ओके, तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फोटोग्राफिंग इंडिया को।